कदम से कदम मिलाकर समाज को एक नई दिशा देने के लिए, पूरे राज्य को एक नई दिशा देने के लिए लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा अपने जीवन का त्याग दिया है। हम अनुरोध करेंगे अशोक मंडल जी से अपनी बातों को संक्षिप्त में रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अशोक मंडल जी, हेलो। अब हमारे बीच मनिंदर बाबू की अर्धांगिनी रेखा मंडल जी आए हैं, कृपया सभी को उनका स्वागत करें। रेखा मंडल जी का सबसे पहले जगह में बैठे रहिए, आसन में बैठे रहिए, मैडम आ रही है। सभी से अनुरोध होगा कि आप सब अपने अपने आसन लेके अपने आसन पर बैठे रहेंगे। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, दुकान में इधर उधर खड़े हैं, सब आके मंडप में बैठने का प्रयास करेंगे। मैडम का ताली बजाकर आप सब हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट जन, हमारे बीच अभी भी उपस्थित हुए सम्माननीय शहीद मणि बाबू के अर्धांगिनी रेखा मंडल जी, हमारे मणि बाबू के उस संघर्ष में योगदान देने वाले उस समय के साथी मंचासी जगत महतो जी, हमारे समाज के दहेज उन्मूलन समिति के जिस समय आंदोलन चला था मणि बाबू के नेतृत्व में, सबसे पहले बिना दहेज से शादी करने वाले समाज से जिनको गोल्ड मेडल दिया गया था, सम्माननीय हमारे फटिक मंडल जी, सम्माननीय हमारे धर्मजीत सिंह जी, सम्माननीय आशुतोष बाबू, बलदेव पातो जी, सम्माननीय सभी मंचासीन पंडाल में आप सब सभी माताएं बहने, सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन आज इस जयंती पर उपस्थित होने के लिए। देखिए, कोई भी कार्यक्रम में जब तक थोड़ा सा नारा वारा नहीं दीजिएगा तो लोग गर्म भी नहीं होगा। हमारे शहीद मणि बाबू के लिए बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनिंदर मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनिंदर मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। अब हमारे बीच मनिंदर नाथ मंडल जी के सुपुत्र सत्यजीत मंडल जी और दादाजी जी उपस्थित हुए, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं अब्दुल मन्नान जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब्दुल मन्नान जी का भी हार्दिक अभिनंदन। आइए मंचासीन होइए। साथ ही उस समय ये जो 75 वर्ष की बात है, आज 75वीं जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं और ये मैम को उम्र में ये प्रथम है। बाकी दिन तो अभी अभी मैडम पहुंचे, मैडम का आने का अभी अभी जो मैडम पहुंचे ना, तो कुछ पहले हमारे आशुतोष बाबू बता रहे थे कि संख्या बहुत कम है। नहीं, ऐसा बात नहीं, हमारा स्टील गेट में भी मनिंदर बाबू के घर पर ये कार्यक्रम वहां भी चल रहा था सुबह से। बात यही है
और लोग जो पहुंच रहे हैं अभी अभी सब वहीं से आ रहे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बलियापुर से चंद्रशेखर महतो जी, चंद्रदेव महतो जी और बाबलू जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप भी आके मंचा से रहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज ये 75वीं जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। आज सबसे बधाई देना चाहता हूं, सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मनिंदर मंडल जी के फाउंडेशन को। ये जो फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम जो करने का आयोजन किया है, ये सबसे बधाई की बात है, सबसे बहुत बड़ा स्वागत की बात है। हम लोग मणि बाबू के साथ काम किए हैं, याद करते हैं उस दिन को, उनका आवाज उनका नेतृत्व को सलाम करते हैं। उनका जो नेतृत्व में क्षमता था, एक बार बरवाटा में 27 समाज के शिविर हुआ था, जिनका अध्यक्षता उन्हीं का अध्यक्षता में होता था, और उनमें जो गुण था उस गुण को बुलाया नहीं जा सकता है। वो सबसे बेसी दलित गरीबों के लिए फुल टाइम थे। अभी का नेता हम लोग थोड़ा सा क्या है जानते हैं, स्वार्थों पर हो गया है, अपना थोड़ा सुविधा देखते हैं, और उनमें वो नहीं था। वो सुबह गए तो पर भी तैयार, रात 12 बजे भी बुलाओ तो पर भी तैयार। उस समय फोन फान भी नहीं था, दरवाजा में खटखटाने से वो मणि बाबू सब समय खड़े रहते थे। धारवाद के धरती पर हमारे विनोद बाबू कहते थे कि ये मनिंदर मंडल कभी एक बनेगा, तब तक तो इनको उठा लिया, देखा कि ये रहेगा तो हम लोग का राज नहीं चलेगा। सबसे बड़ा दुख की बात है हमारे झारखंडियों का कि हम सब झारखंडी जागरूक नहीं है, हम लोग जागते नहीं है। हम लोग को जगना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे इस झारखंड के मिट्टी में और इस झारखंड में जो खरीदत हमारा जो संपदा से झारखंड भरा हुआ है, और इस झारखंड को लूटने वाला का पीछे हम लोग का भी कुछ लोग साथ देते हैं, नहीं देना चाहिए। आज अगर हमारा इस झारखंड के माटी को हम बेच देते हैं, क्या मेरा अस्तित्व है? मैं अपना माँ को भी तो बेचने में नहीं लो पीछे रहेंगे। इसलिए सबको सिर्फ सोचना चाहिए, जानना चाहिए। युवाओं को विशेष विशेष करके आह्वान करना चाहते हैं, अभी समय आ गया आप सबों का, आप सब आगे बढ़िए और काम कीजिए और याद कीजिए मणि बाबू का। और जो भी बात मणि बाबू का आएगा, आप लोग उसको अपना दिमाग में रखिए। वैसे समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया साथी। इतना ही मैं बोल करके अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मनिंदर बाबू अमर रहे, मनिंदर बाबू अमर रहे। धन्यवाद साथी।